अपने चाचा घोगा मुंडा को मौत के घाट उतार फरार हो जाने वाला भतीजा बिरसा मुंडा को रांची पुलिस ने धर लिया है। सन के मिजाज के बिरसा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में खुलासा किया कि बीते 21 जुलाई की सुबह 6:30 बजे सोए अपने चाचा को दावली से काट डाला था। चाचा के साथ उसका जमीन का लफड़ा चल रहा था। पारिवारिक कलह भी खूब होता था। पत्नी के भाग जाने के बाद से बिरसा मुंडा सनकी हो गया। हत्या में इस्तेमाल हथियार दावली भी जब्त कर लिया गया है। यह वारदात अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जुन्हा गांव में हुई थी। सुने क्या बोले रांची के रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम। अनगढ़ा थाना में दो दिन पहले ये जानकारी मिली थी हम लोगों को कि घोगा मुंडा करीब 55 साल उम्र के हैं। उनको ही परिवार का ही लोग चचेरा भाई का बेटा मतलब भतीजा ही दौली से उनको सुबह में जब घर में सोए हुए थे तभी उनको सर पर प्रहार कर दिया, जिसके वजह से ऑन स्पॉट वो डेथ कर दी। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई थाना प्रभारी तत्पर और डीएसपी साहब गए वहाँ जाकर देखे कि इतना सही था। देखा गया कि सर में इंजुरी था घोगा मुंडा को और वो बोले हुए थे। मालूम ये हुआ कि बिरसा मुंडा उनका जो भतीजा है करीब 30 वर्ष का दौली से ही मार और भाग गया। गाँव वालों ने जब भागने की दिशा बताया कि इस तरफ में झाते थे अपने घर में जाके छुपा हुआ है तो थाना प्रभारी तत्परता से जाकर चेन किया, पकड़ा तो उनके पास से उनकी निशानदेही पर ये दौली बरामद हुआ है और ले आया गया। लेकिन पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि कुछ पारिवारिक मैटर चल रहा था बंटवारा का, ये जमीन के संदर्भ में दोनों लोगों का घर एक ही जगह है जहाँ नहीं है, तो इसी आक्रोश में इसने ऐसा किया है। जाँच के क्रम में ये भी आया है कि कहीं ना कहीं इनके परिवार का जो लोग पत्नी बच्चे इन लोगों को भी ये बराबर कुछ न कुछ हमेशा तंग परेशान मारपिटाई किया करते, जिसके वजह से पत्नी भी हाँ घर में नहीं है, वो भी भाग चुकी थी पहले। तो कुल मिला के देखें तो परिवार काफ़ी टेंस में चल रहा था, जिसके वजह से ये इंसिडेंट देखने को मिला है। अभी तत्काल इनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग